हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं जा रही थी मार्केट की तरफ तो सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, पर लोग इतने अजीब नज़रों से देख रहे थे तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर लूँगी। बहरहाल चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भी और सिस्टर आ गए थे बास्केट वाले शॉप पे। यहाँ पे हमने लेनी थी बास्केट, बास्केट हमने लेनी थी फ्रूट के लिए। उसके बाद हमने लकड़ी वाला चम्मच भी लेना था, तो वो हमने बाय किया यहाँ से। हम आ गए थे चूड़ियों वाली शॉप पे। तो यहाँ पे जो ये कॉपर वाली चूड़ियाँ हैं ना, ये भाभी मेरे लिए और अपने लिए ले आई थी, लेकिन सिस्टर के साइज़ की मिल नहीं रही थी, तो इस बार सिस्टर के साइज़ की भी थी तो फिर हमने वो भी बाय कर ली। लेकिन और कोई चूड़ियाँ इतनी ख़ास अच्छी नहीं थी तो हमने कोई और चीज़ ली ही नहीं यहाँ से ना। ये वाली चूड़ियाँ हमने बाई की थी यहाँ से। यहाँ पे ज्वेलरी भी थी लेकिन कुछ ऐसी ख़ास ज्वेलरी नहीं थी। ये वाले इयर रिंग मुझे कुछ पसंद आ रहे थे लेकिन मैंने यहाँ से बाई नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे ज्वेलरी इतनी कुछ ख़ास नहीं थी। मैंने यहाँ मैं चूड़ियाँ देख रही थी कि शायद मुझे कोई पसंद आ जाए, लेकिन यहाँ पर कोई भी चूड़ियाँ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। बस वही कॉपर कलर की ही हमने सिस्टर के लिए ख़रीदी हैं। ये गोल्ड की भी कुछ ऐसे ख़ास नहीं लग रही थी, यानी कि गोल्ड की नहीं थी, लेकिन ये था कि वो गोल्डन कलर की थी। और मैं फबिया के लिए भी चूड़ियाँ देख रही थी लेकिन पहले ही उसकी इतनी सारी पड़ी हुई हैं, वो मैंने अभी यूज़ ही नहीं की तो फिर मैंने ये छोड़ दी। फिर हम कपड़ों वाली शॉप पर गए। ये वहाँ पे ये मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था लेकिन मैंने वही बाय नहीं किया। फबिया के लिए मैंने ड्रेस बाय किया और मैं फिर घर वापस आ गई। यहाँ मैं फबिया के कपड़े प्रेस कर रही थी। बेसिकली मैं उसके सारे कपड़े प्रेस करके हैंगर में रख देती हूँ ताकि उसे जब भी चेंज करवाना होता है मैं उसे उठाती हूँ और चेंज करवा देती हूँ। अभी मैं फबिया के कपड़े प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस करूँगी, फिर भाई का एक सूट मैंने प्रेस करना है वो मैं प्रेस। यहाँ मैंने फबिया के सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, ये सारे मुकम्मल। यहाँ मैंने अपना सूट भी कर लिया है, भाई का सूट भी कर लिया है। अभी नहीं रखूँगी मैं अपनी अपनी जगह पे, दूसरे रूम में। हर घर का मसला कि आज क्या बनेगा। हम भी यही सोच रहे कि आज क्या बनेगा, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि आज हम पालक और चिकन बनाएंगे, तो घर में वही बनाया, पालक और चिकन बनाया हुआ है। अफ्तारी सब ने कर ली थी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सब ने खाना खाया। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I'm stuck in a dream.